उत्तर प्रदेश से आदर्श सिंह जी हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। ये लिख रहे हैं कि हमारी जाति भागीरथ सैनी है। इनका एक प्रश्न है, लिख रहे हैं कि गुरुजी मेरा प्रश्न है कि नैवेद्य किसे कहते हैं। जब माता कौशल्या ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और पलने में लेटा दिया था, फिर माता कौशल्या ने स्नान करके अपने कुल के इष्ट देव की पूजा के लिए उन्हें नैवेद्य अर्पण किया था। फिर उन्होंने बाल रूप श्री रामचंद्र जी को नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा था, तो आप हमें नैवेद्य के बारे में बतलाएं, ये पूछ रहे हैं। इनका प्रश्न श्री रामचरितमानस में बालकांड के 202 से लेकर के और 201 तक की भगवती कौशल्या के समग्र भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने एक बाल लीला का प्रदर्शन किया है, उससे संबंधित है। नैवेद्य शब्द का क्या अर्थ होता है, मुख्य रूप से इन्होंने यह पूछा है। नी उपसर्ग पूर्वक विद धातु में श्यन प्रत्यय होकर के ये नैवेद्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है निवेदन करने योग्य, भोग लगाने योग्य। सामान्य रूप से किसी भी अर्चा विग्रह का, देवता का हम पूजन करते समय जब भोग लगाते हैं, तो वो जो भोज्य पदार्थ होता है जिसका भोग लगाया जाता है, लड्डू पायस आदि, तो उसको नैवेद्य कहते हैं। भोग लगाते समय जो भी चीज दी जाए वो नैवेद्य कहलाती है। किसी एक पदार्थ का नाम नैवेद्य नहीं है, चाहे आप कुछ भी रखें, जो भी भोजन करने योग्य, खाने योग्य जो भी है उसको नैवेद्य कहते हैं। देखिए भगवती कौशल्या जी ने क्या किया है। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौराए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को स्नान करके, वो तो नित्य प्रति करते थे, पर एक बार का मतलब है कि इस बार कुछ विशेष घटना हुई तो स्नान करा करके और उनको पलना में लिटा दिया, श्रृंगार करके, कर श्रृंगार पलना पौराए, श्रृंगार करके पलने में लिटा दिया है। फिर निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन अस्नाना। फिर भगवान रंगनाथ, भगवान जो है रंगनाथ के रूप में दशरथ जी के यहां विराजमान थे, उनका अर्चन पूजन करने के लिए फिर भगवती कौशल्या जी ने स्नान किया, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा। अब उनका जो उनकी पूजा की रंगनाथ भगवान की और नैवेद्य चढ़ावा, नैवेद्य चढ़ावा यानी भोग लगाया, निवेदन किया भोज्य पदार्थ का, और आप गई जहां पाक बनावा। तो भगवान का भोग लगा करके, पर्दा लगा करके, और देवी कौशल्या जी वहां रसोई में चली गई। बौर मां तो तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। फिर माता ने आकर के देखा कि ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, तो वहां जाकर के देखें, वहां देखा कि वहां तो हमारा लाला ही राघवेंद्र सरकार ही, वहां भगवान श्री राम ही वहां जाकर के खा रहे हैं। जबकि ये तो अभी छोटे हैं, पालने में पड़े हुए हैं, इनका अभी अन्नप्राशन संस्कार भी नहीं हुआ है, अभी तो माता का केवल स्तन ही पान करते हैं, परंतु वहां वो जो है भोग लगा रहे हैं। तो देखा कि भाई ये बालक यहां कहां से आ गया, हमारा लाला तो सो रहा है। तो गई जननी शिशु पय भय भीता, देखा बाल तहां पुन सूता। तो माता बड़ी भय विवल हो गई कि लाला यहां कहां से आ गया, ये इसको किसने यहां बिठा दिया मंदिर में आकर के। तो उस लाला को छोड़ करके अपने जहां सुलाया था वहां जाकर के देखा, तो वो वहां भगवान श्री राम शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। देखा बाल तहां पुन सूता, तो बहुर आज देखा सुत सोई, फिर दौड़ करके मंदिर आई, तो मंदिर में वहां फिर वो जो है भोग पा रहे हैं।
हृदय कंप मन धीर न होई। अब तो हृदय में जो है चंचलता बढ़ गई, कंपायमान होने लग गया, गदगद गिरा नैन बह नीरा, वो स्थिति हो गई। पर धैर्य धारण नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि यहां वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेषा। अब वो सोच रहे हैं कि यहां भी वही बालक जो है भोजन पा रहा है, वहां वो बालक सो रहा है, दो बालक हैं, कि मेरी बुद्धि जो है कुंठित हो गई, विभ्रंसित हो गई, क्या मेरी बुद्धि में हो गया है, ये क्या कैसी प्रभु की लीला है। तो ये जब माता को ये जो है संकोच हो रहा है, मन में जो है कष्ट हो रहा है, ये देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने और मुस्कुराना प्रारंभ किया। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कुराने। तो माता उस वक्त वहीं थी जहां वो जो देव मंदिर में भगवान भोग पा रहे थे। तो देख राम जननी अकुलाने, राम जी ने देखा कि माता जो है अकुला रही हैं, चिंतित हो रही हैं, व्यथित हो रही हैं। तब प्रभु हस दीन, भगवान जो है थोड़ा सा मुस्कुराए, मधुर मुस्कान। प्रभु हस दीन, प्रभु हंसे, कैसे हंसे? ऐसा नहीं कि जो सब जो है मुंह निकाल करके हंस दिए हों, नहीं नहीं, मधुर मुस्कान, बिल्कुल थोड़े मुस्कुराए, थोड़े से मुस्कुराकर। जैसे ही थोड़े से मुस्कुराए तो भगवान की हंसी ही माया है, वो सब अब तो उनको अखंड रूप दिखलाया। जैसे कि भगवती यशोदा जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद में ही जो उन्होंने मृद भक्षण कर लिया था, या जो है ज़्यादा स्तनपान कर रहे थे, दो बार भगवती यशोदा को अपना विराट रूप दिखाया है, वही रूप दिख रहा वा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अरे माता, तू क्यों सोच कर रही है, क्यों सोच कर रही है, क्यों शोक में है, ये जो है मैं कौन हूँ? ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवती कौशल्या को दिखला दिया। दिखरावा माताएं निज अद्भुत रूप, निज अद्भुत अखंड रूप भगवान श्री राघवेंद्र ने कौशल्या जी को दिखलाया, जो कैसा था कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंतानंत ब्रह्मांड भगवान श्री राघवेंद्र के एक एक रोम में और भ्रमित हो रहे हैं। प्रत्येक रोम में अनंतानंत ब्रह्मांड, अनंतानंत जीवों के अनंतानंत कर्मों को लेकर के, और वे अपने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में पड़े हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रत्येक रोम में ऐसा खेल है, हो रहा है। यद्यपि एक ब्रह्मांड को संपूर्ण रूप से देखने में हमारे ये चर्म चक्षु समर्थ नहीं है, पर उन्हें देखने की शक्ति भी भगवान ने दी कि प्रत्येक रोम में अनंतानंत ब्रह्मांड है, उन प्रत्येक रोम में अनंतानंत ब्रह्मांडों में अनंतानंत जीवों के ये जो गति आगति निर्गति वाला जो कार्य चल रहा है, वो भगवती कौशल्या जी ने भगवान श्री राघवेंद्र की माया को उन्हीं के प्रभाव से बड़े विशाल रूप से संक्षिप्त देश में ही और संक्षिप्त काल में ही समस्त ब्रह्मांडों की लीलाओं को क्षण भर में ही देख लिया। तब जो है अब तो फिर और भी व्याकुलता बढ़ गई कि मैंने तो इनको जगत पिता को पुत्र मान रखा है। तब भगवान ने फिर मुस्कुराए और माता को सांत्वना प्रदान की और कहा कि ये जो लीला मैंने आपको दिखाई है, ये अब किसी को बतलाना नहीं, ये पूरे रामचरितमानस में यहाँ स्पष्ट है, आप लोग पढ़ें, बड़े ही आनंद का विषय है। तो कहने का मतलब है कि जो नैवेद्य है, नैवेद्य का मतलब है जो भगवान को अर्चा विग्रह को निवेदन किया जाता है, नैवेद्य लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है, उसको नैवेद्य कहते हैं। कर्मकांड में जो स्पष्ट है, यहाँ कम से कम 5 उपचार से पूजन करना चाहिए, गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य, यानी चंदन लगाकर, सबसे पहले चंदन, फिर जो है पुष्प, फिर धूप और फिर दीप और फिर नैवेद्य यानी भोग लगाना। ये जो है और भी बहुत प्रकार का पूजन है, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। हर हर महादेव।